नमस्कार तेबे आज कालांश आम गोटे विषय नहीं चु जोटा कि नवम श्रेणी में पढ़ा जो संस्कृत पाठ्यक्रम जो अच्छी पाठ्यांश आमर नीतिवाणी ए जो नीतिवाणी आमर आम जीवन रे ए नीतिवाणी पठन द्वारा एवं ताकु शिक्षा करिबा द्वारा एवं ताकु जदि आमे कार्य रे लगे पारिले ताहेले कौन हबो ना आम जीवन रो पथ बदली जाए आमे जने उत्तम मानव भावरे ए समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करि पारु तेणु से विषय रे यही जो संस्कृत श्लोक अच्छी कतिचित श्लोकाकार माने यही जो व्यास वाल्मीकि कामंदक पराशर शंकर मनु ए माने जो श्लोक दे जाइछंती तो से श्लोक गुड़िक पठन करिबा द्वारा एवं ताकु जीवन रे जीवन चरणी चरित्र रे चरित्रायित करिबा द्वारा जड़े उत्तम मानव हो पारे एथिरे तिले मात्र संदेह अवकाश ना तेणु आसंतु से नीतिवाणी रो पठन आमे करिबा वर्तमान सकल प्राणीसु मानव श्रेष्ठ समस्त प्राणी मानक मध्यरे ए मानव होची श्रेष्ठ तथापि समाजे सदा शांति ही न परिलक्षते तेणु तथापि ए समाज रे समस्त सबु समय रे बा सर्वदा शांति देखा जाए नाही तत्र कारणम तावत् मानवस्य लोभ मोह अविवेकिता च अपि तार कारण होची मानवर लोभ मोह एवं अविवेकिता पणिया महापुरुष मानव समाज से दोषं दृष्ट्वा महापुरुष माने मानव समाज रो ए दोष को देखी तेषां दूरीकरणार्थम से गुड़िकर दूरीकरण करिबा पई नीति वाक्यानि रचयन्ति ए नीति वाक्य माने मान रचना करिछंती तानि नीतिवाक्यानि रत्न सदृशानि भवन्ति से नीतिवाक्य गुड़िक रत्न सदृश अटे संस्कृत नीतिकारेषु संस्कृत नीतिकार मानक नीति श्लोकाकार मानक मध्यरे चाणक्य भर्तृहरि मनु व्यास वाल्मीकि कामंदक पराशर शंकर प्रभृतय प्रसिद्धा संस्कृत नीतिकार मानक मध्यरे चाणक्य भर्तृहरि मनु व्यास वाल्मीकि कामंदक पराशर शंकर प्रभृति प्रसिद्ध अटंती तेहि रचित भ्य सेमानंकर रचना करिबा रचित होता से द्वारा रचित होता नीति रत्नेभ्य नीति रत्न गुड़िक द्वारा कानेचित अत्र संग्रहिता कि यठार संग्रहित होनी अस्माकम अज्ञान अंधकार दूरीकरण आय तानी से गुड़िक आमर जीवन में अज्ञान अंधकार दूरीकरण निम्ते प्रदीप हाइब विभ्रांति प्रदीप सदृश होता है प्रदीप भली शोभा पाँच तेणु प्रथम श्लोक आम आज पढ़वा प्रथम श्लोक हूँ कौन जय बिंदु निपातेन क्रमश पूर्यते घट सक्रम सर्वविद्यानं धनस्य च धर्मस्य च तेणु एठी श्लोकाकार कहते कौन ना जल बिंदु निपातेन जल गोटे गोटे बिंदु पड़ा द्वारा कौन हुए ना क्रमश पूर्यते घट क्रमश माने क्रम अनुसार धीरे 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 कौन हुए ना पूर्यते घट गोटे घट बा माठिया कौन होता है ना परिपूर्ण होता है ठीक सेमिति सक्रम सर्वविद्यान धर्मस्य च धनस्य च तेणु यही जो कौन से सक्रम से क्रम अनुसार सर्वविद्यान सर्वविद्या मानकर कौन धन एवं धर्म च
धन एवं धर्म मध्य ठीक से हीपरी कौन होता विद्या आउ धन धर्म ए तीन टा से हीपरी क्रम अनुसार आम पाख को आसी थाए तो सेटा कौन ना से कहते जे जमीती विद्या धर्म आउ धनर पूर्णता केमिति एक क्रम अनुसार परिपूर्ण होता है जमीती कि गोटे गोटे जलबिंदु द्वारा गोटे माठिया पूर्ण होता है तेणु ये कथा कह जा सर्वविद्यान मान समस्त विद्या मानकर आम समस्ते जदि देखा चिंता करवा जे आम प्रथम श्रेणी पढ़ले द्वितीय श्रेणी पढ़ले तापर तृतीय श्रेणी पढ़ले चतुर्थ पंचम षष्ठ एमती आसिक आम नवम श्रेणी बर्तमान पहुँचल तो आम एकाथर कौन नवम श्रेणी की माने उठी आसते कि ना तार गोटे क्रम अनुसार आम कि प्रथम श्रेणी जानले तापर द्वितीय श्रेणी किसी जानले अधिक एमती धीरे 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 जमी ज्ञान कौन होता है ना परिवृद्धि होता है तो ठीक सेमिति एटी श्लोकाकार कहउछंती जेमिति विद्या आउ जेमिति धन धन सेमिति जदि आमे गोटे 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 पैसा जदि रखिबा ताहाले आमे लक्ष लक्ष टंकार मालिक होइ परिबा दिने तेणु विद्या जेमिति गोटे क्रम अनुसार टिके 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 अधिक अधिक जानिकि आमे जदि ज्ञानी भाव में परिगणित होइथांती ठीक सेमिति क्रम अनुसार मध्य एई धन गोटे गोटे मुद्रा संचय कर जन लक्ष लक्ष टंकार मालिक हो पारे ठीक सेमती विद्या आउ धन आउ सेमती धर्म धर्म मध्य सेमती कौन ना टिके 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 ए भगवान निकट में शरण नहीं धीरे 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 भगवान को जानवा ये करवा गोटे ज्ञानी बोली परिगणित होता है तेणु ज्ञान मध्य धर्म मध्य आउ धन विद्या आउ धर्म ये तीन टा कौन होता है ना एक क्रम अनुसार मनीष को प्राप्त होता है तेणु ये श्लोकाकार कहते कौन ना जलबिंदु निपात ना क्रमश पूर्जते घट सक्रम सर्वविद्यान धर्म सेच धन सेच अर्थात जमीती गोटे गोटे जलबिंदु द्वारा गोटे घड़ा बा गोटे माठिया कौन होता है ना परिपूर्ण होता है ठीक सेमती विद्या धर्म एवं धन एई तीनटा मध्य मनीष को सेपरि क्रम अनुसार टिके 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 हेकि से प्राप्त प्राप्ति होता है ताकू तो ठीक यही कथाटा प्रथम कहुची एटी गोटे संधि विचार अच्छी जोटा कि कहुची सक्रम सहयुक्त क्रम सक्रम आउ विभक्ति अच्छी कौन सक्रम हूँ कर्तरी प्रथमा आउ जलबिंदु निपातन तुम करण तृतीय व्यक्ति आउ सर्वविद्यान धनसेच धर्मसेच ये सब सम्बन्धे षष्ठी व्यक्ति आउ तापर श्लोक आम बर्तमान देखा द्वितीय नंबर श्लोक से कहते उपदेश हि मूर्खाणं प्रकपाय न शान्तये पयपानं भुजंगानं केवलम विषवर्धनम तो सी कहते हैं उपदेश ही मूर्खाणम प्रकपाय न शांतये पयपानम भुजगानम केवलम विषवर्धनम अर्थात एटी से कहते कौन उपदेश ही मूर्खाणम अर्थात मूर्ख को उपदेश देवा मूर्ख को उपदेश देवा प्रकपाय न शांत प्रकपाय अर्थात सीए राग रागे बा खराब भावे आमको प्रकपाय मान प्रकृष्ट क्रोध निमंत होता है यहाँ तेणु न शांत शांति दि जा पारे ना शांत करे ना तेणु मूर्ख को उपदेश देवा हूँ निरर्थक होता है जेपरी केवरी ना से कह पय पानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम अर्थात पय माने होची क्षीर क्षीर जदि आम कौन करवा भुजंगानम अर्थात सर्प को जदि आम क्षीर लेकिन पाली भी ताहले केवलम विषवर्धनम अर्थात से विष कौन बढ़ी थाए ता देहरे किंतु अमृत हो न थाए बा से विष पूरा नष्ट हो जाए ना तेणु एटी से कहते कौन ना मूर्ख को उपदेश देवा उचित नुहे
मूर्ख को जदि उपदेश देव ताहले कौन ही नहीं जाए ता पाखरे प्रकोपाय अर्थात प्रकोप अर्थात गर्व अहंकार देखा दे थाए क्रोध शांति निमित्त हो न थाए न शांत जमीति की पय पान भुजंगानम अर्थात साप को जदि आम विश्वधर सर्प होता ताकू जदि आम कौन करवा ना क्षीर पान करवा ताहले मध्य से विष केवल वर्धनकारी होता है किंतु तार विष नष्ट हो न था ये हूँ द्वितीय नंबर श्लोक जो उपदेश युक्त ही उपदेश ही केवल ये गोटे सन्धि अच्छी आष वर्धनम ये हूँ द्वितीय कर्मण द्वितीय प्रकोपाय न शांत ये सब जिनस हूँ कौन ना चतुर्थी व्यक्ति निमित्तार्थ चतुर्थी हो हैं आउ भुजंग आराम कहले सम्बन्धे षष्ठी विभक्त तो तापर आम तृतीय श्लोक को जीवा तृतीय श्लोक से कौन लिखाई ना देख नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते अपि सज्जनः अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनहरा से कहते नारिकेल समाकारा नारिकेल समयुक्त आकारा नारिकेल समा नारिकेल मान नड़िया तो नारिकेल समाकार अर्थात नारिकेल भरी नड़िया भरी दृश्यन्ते युक्त अपि देखा जाए दृश्यन्ते अपि ही सज्जना सज्जन सज्जुक्त जन सज्जन सज्जुक्त जना सज्जना तेरु एटी कहते नारिकेल समाकार दृश्यन्ते अपि ही सज्जना अर्थात नारिकेल माने हूँ नड़िया नड़ियाटा देखा केमी ना नड़ियाटा हूँ ता भितरे जो पूरा आवरण थाए छड़े तापर तार जो कठिन आवरण थाए सेमी नारिकेल समान कठिन देखा जाए किए ना सज्जन माने ए दुनिया रे जो माने सज्जन से माने एई नारिकेल भली दृश्यमान होई थांती अन्यच बदरिका कारा अन्य माने जो माने रहिले से माने कौन ना बदरिका कारा बदरिका कारा माने जे बरकोळी भली बरकोळी भरी हैं मनहरा माने सुंदर देखा जाय थाय बही बही माने बाहर बाहर को भारी नाली चिकन जो बरकोळी पाची थी तुम्हें समस्त देखी थी बरकोळी पाचिला बरकोळीटा किमती उपरटा पूरा लाल देखा जाए हलदिया देखा जाए पूरा हलदिया लाल है कि देखा जाए जाए थाए कि भारी सुंदर देखा जाए कि भितर कमी ना कठिन होता है पूरा को खाई सारा पर मंजीटा हूँ कठिन होता है जो कठिन कि कौन सी काम लगे ना से आम फोपाड़ी दू किंतु एटी श्लोकाकर कहवा चाहते कौन ना ये सज्जन आउ दुर्जन बा दुष्ट लोक किमी जान जहाँ को मैंने ऊपर चिकन देखु से ऊपर चिकन को तुम ग्रहण कर ना कारण से बदरिकाकार बरकोळी भरी सीए आउ जोटा कि ऊपर को कठिन देखा ऊपर को मानने टाण देखा किंतु भितरे हृदयटा भारी कमल जमी नड़िया भली नड़िया को जदि आम कौन करवा ना ऊपर आवरण टाक जो भांगी दे पारा ता भितर जो मान पा बाहर से पा अत्यंत मीठा आ नड़ियाटा खावापी भी बहुत मधुर तेणु एटी मानने सज्जन आ दुर्जन व दुष्ट लोक भितर तुलना कर श्लोकाकार से कहते कौन ना नड़िया भरी सज्जन मान ठीक नड़िया भरी आ दुष्ट दुर्जन माने केमी ना उपर माने बरकोळी भली बहिरे मनहरा अर्थात बाहर टा भारी सुंदर किंतु भितर टा हूँ भारी कठिन तो ये से विषय ये वर्णना करछन्ति वर्तमान आमर तृतीय श्लोकर जो अच्छी ग्रामर मुझे नारिकेल समयुक्त आकार नारिकेल समाकार दृश्यन्ते युक्त अपि दृश्यन्ते अपि बदरिकाकारा बदरिका युक्त आकार बदरिकाकारा बहिरेव बही युक्त एव बहिरेव ये सन्धि होती सन्धि अच्छी आउ विभक्ति हूँ नारिकेल समकार अन्य बदरिकाकारा मनोहरा ये सब हूँ प्रथम विभक्ति जीव सेक है आम वर्तमान पढ़ा कौन ना चतुर्थ श्लोक को वर्तमान जीवा
चतुर्थ श्लोक कौन लिखाई ना से कहते बिना कार्येण ये मूढ़ा गच्छन्ति परमन्दिरम् अवश्यं लघुतां जान्ति कृष्ण पक्षे यथा शशी। से कहते बिना कार्येण ये मूढ़ा मूढ़ा माने मूर्ख माने जो माने मूर्ख से माने कौन करथांती ना बिना कार्येण बिना कार्य रे से माने कौन करंती ना गच्छन्ति परमन्दिरम् अन्य घर को जाकि बस था घर किसी कम ना कि घर जाने कौन कर बस था तेणु से कहते कौन ना ये बिना कार्य जो मैंने मूढ़ मूर्ख मान कौन करती ना अन्य घरे जा आड मारती अन्य घरे जा बस था समय बीते था तो सहीटा किसी कहते अवश्य लघुता जानती अवश्य से माने लघु तांकर सम्मान हानि होता है सब अपदस्थ होता विपद पड़ी था जमीक कृष्ण पक्षे यथा शशी कृष्ण पक्षे आसने जमी शशी बा चंद्र कौन करे ना चंद्र धीरे 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 पड़ी कृष्ण पक्षे आ देखा जाए ना ठीक सेमती कृष्ण पक्षे चंद्र भाया से माने तांकर सम्मान सम्मान को से माने हरई थांती तेणु एटी कहउचंती कोन ना बिना कार्य रे जे मूढ़ बा मूर्ख से कोन करे ना गच्छन्ति परमन्दिरम परमन्दिर पर घर को जे जाए एवं सेठी समय बीते थाए अवश्य लघुता जानती अवश्य से माने लघुता प्राप्त होई थांती अर्थात तांकर मान सम्मान बा छोट हो जाए से माने छोट हो जानती जथा जेपरी केमिति ना कृष्ण पक्षे जथा शशी कृष्ण पक्षे ने चंद्र जमीती धीरे धीरे लघुता प्राप्त होकरी कौन हो जाए शेष देखा जाए ना तांकर मान सम्मान सब चली जाए ठीक सेमती से सही कथा कहते कृष्ण पक्ष जो कृष्ण पक्ष हूँ संक्षयर तेणु से कहते कौन चंद्रमा कृष्ण पक्ष क्षय ही शेषे देखा जाए ना एणु मूर्ख कौन करे ना से भाव बिना प्रयोजन अगर गृह को जाकि समय नष्ट शेष कौन हुए ना शेष से कहते शोकाकर ये चेतई देकर आमको जे बिना कार्य अन्य घर को जीवा उचित नुहे पंचम श्लोक आमे वर्तमान जानिबा पंचम श्लोक है कौन ना परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय बहन्ति नद्यः परोपकाराय दुह्यन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम् जे परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोर उपकार पाई कौन करे ना वृक्ष फल धारण करिथाय आउ परोपकाराय बहन्ति नद्यः एई नदी देख परर उपकार पाई ए नदी बही जाइछि एई नदी रे अनेक लोक माने कौन करुछंती किए चाषवास करुछि किए नदी रे जाइकिरी माने माने जो विभिन्न प्रकार धुआ धोईबा लुगा पटा कचा कची किबा ए सब जंतु गाधेबा स्नान शौच करिबा बा गाई गोरु गधेबा एमिति विभिन्न प्रकार कार्य आमे कौन करू ना नदी रे करि थाउ तो नदी सेथि पई पर उपकार करिबा पई से बही जाइछि नदी कि जदि आमे जाइकिरी अपरिष्कार करू नदी केबे किछि कहे कि किछि कहे नाही तेणु से कहू परोपकाराय फलन्ति वृक्षा एई पर उपकार पई फल कौन करे ना फल धारण करे से फल कौन से गच्छ खाई जाए कि खाई जाए ना तेणु पर उपकार पई वृक्ष कौन करे ना फल धारण करिथाय आउ पर उपकार पई ए नदी बही जाइथाय आउ परोपकाराय दुहन्ति गावः अर्थात पर उपकार करबा पाई ए गाई कौन करे ना क्षीर दे थाए सदा बेले आमको तो से गाई कौन से क्षीर को खाई जाए कि खाई जाए ना के तेणु से कहते से पर उपकाराय इदम शरीरम अर्थात पर उपकार पाई ए शरीरटा आम प्राप्त होचु ए कथा मध्य मनीष जानवा दरकार केमिति ना ए शरीरटा भगवान आमको देइचंती आम बापा मां को जरिया रे
बापा माँ को माध्यम रे ए शरीर टा आमे प्राप्त होइचु तो कौन पाई ना एई परर उपकार करिबा पाई तेनु से कहिसेंति कोन ना जेमिति परोपकारय फलंति वृक्ष वृक्ष परि वृक्ष जेमिति परर उपकार पाई फल धारण करिथाय नदी जेमिति परोपकारय वहंति नद्य परर उपकार पाई नदी जेमिति बही जाइथाय आउ परपर उपकार पाई जेमिति गाई कोन करथाय क्षीर दान करिथाय ठीक सेमिति एई मनुष्य को पर उपकारी हेबा पाई कि एठी श्लोकाकार श्लोक माध्यम रे एई दिग्दर्शन देछंती तापरे एठ देख वर्तमान आमे देखिने बाटिके परोपकाराय पर युक्त उपकार अर्थम युक्त इदम परोपकार करार्थम इदम एकाथर संधि हेछि परोपकाराय पर युक्त उपकाराय परोपकाराय तापरे आउ कोन ना विभक्ति जते देछि नद्यः वृक्षः गावः हैं आउ शरीरम ए सब जिनस कौन ना प्रथम व्यक्ति कर्तरी प्रथम व्यक्ति हम आउ परोपकाराय होची निमित्तार्थे चतुर्थी व्यक्ति हम एठी एठी माने अच्छी आमर व्याकरण तापरे आमे वर्तमान षष्ठ श्लोक को जीवा जे षष्ठ श्लोक रे से कहउचंती श्लोकाकार कौन ना नमन्ति फलिना वृक्षा नमन्ति गुणिना जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन से कहउचंती कौन ना नमन्ति फलिना वृक्षा अर्थात जो वृक्ष कौन करे ना फल धारण करिथाय से फल धारणे कौन को जाए ना नई पड़े झुंकी पड़े फल धारण करिबा समय रे तेनु नम्रन्ति नमन्ति फलिना वृक्षा तेनु फल धारण करिथिया वृक्षटी कौन करे नम्रता प्रकाश करे आउ नमन्ति फलिना वृक्षा नमन्ति गुणिन जनाहा सेही परि जो माने गुणी लोक से माने कौन करंती ना नमन्ति गुणिन जना से माने समस्ते नमन्ति अर्थात नम्र हुवंती विनयी हुवंती नम विनयी नम्र तांकर स्वभाव होइथाय तेणु से कहुचंती गुणी न जना जो माने गुणी लोक माने से माने कौन करंती ना सेमिति विनयी हुवंती नम्र होइथांती वृक्ष भली किंतु से कहुचंती कौन ना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन किंतु शुष्क वृक्ष जो वृक्ष सुखी जाइछि से वृक्ष मूर्ख सदृश अर्थात एटी मूर्ख को माने शुष्क वृक्ष सहित तुलना कराई जे कि न नमन्ति कदाचन जे कि केतेबेले भी नम्र हुवंती नाही बा नम्र स्वभाव से माने जानी नाहंती बा सिखि नाहंती तेणु सेति पई एठी श्लोकाकार आमको कहिसेंति कोन तुमे जदि मनुष तार मनुष केमिति हेबो ना नम्रन्ति फलिन वृक्ष जेमिति फल धारण करिथिबा गुडे वृक्ष जेमिति निजकु कोन करे ना नम्र करिथाय सब समस्ते समस्तंको पाखरे से विनय होइथाय नम्र गुण नम्रता गुण प्रदर्शन करिथाय ठीक सेमिति से कहउचंती गुणी जन परि तुमे सेई फलिन फल धारण करिथिबा वृक्ष परि हबा उचित किंतु एई सुखिना गछ भली माने हेकि हैं दुर्जन जो माने मूर्ख दुष्ट प्रकृतिर से माने तांकु जेते प्रकारे कहिले मध्य से केते बेले भी मध्य विनय हुए नाही केते बेले भी नम्रता प्रदर्शन करि पारे नाही तेणु समस्तंकु ए श्लोक माध्यम रे श्लोकाकार कोन कहिसेंती ना विनय होबा पई कहिसेंती नम्र होबा पई कहिसेंती जेहेतु आमे विद्यार्थी विद्या आहरण करूचू तेणु श्रेणी गृह रे बा पितामातांकु सम्मान देबा केमिति आमे आचरण करिबा आचार आचरण भितरे आमे केमिति फुटै तळी पारिबा से विषय रे श्लोकाकार आमको ए श्लोक माध्यम रे आमको दिग्दर्शन दैछेंती तेणु वर्तमान कौन है ची ना आमर छ नंबर श्लोक वर्तमान सरी तेणु छ नंबर श्लोक माध्यम रे आमे जो प्रश्न अच्छी से प्रश्न को देखिबा एड देई से प्रश्न गुड़िक
होची परोपकार्य के किं कुर्बंती हैं आउ तापरे मुढ़ा केन लघुतांग जानती के नमंती के च न नमंती हैला तापरे ऐ सब प्रश्न उत्तर आमे कौन करिबा ना ऐ प्रश्न उत्तर उड़ा को आमे निजे करिबा जोड़ा की रही ची आमरा प्रश्न उत्तरे मुड़ा केन लघुतांग जानती ना मूर्ख माने केमिति मूर्ख मानकर केमिति माने मान सम्मान केमिति क्षय हेई थाय ना से कहउचंती जे जदी बिना कार्य रे जे माने जे मूर्ख माने बा मूढ़ माने कौन करती ना अन्य घर को जानती से माने को अवस्था केमिति हेई थाय ना कृष्ण पक्ष रे जेपरी चंद्रमा लघुता को प्राप्त हेई थाय ठीक सेई परी से माने निजर मान सम्मान को हरई थांती तेणु एथिरे कौन है ना मूर्ख मानकर हीनता को सूचित करा दैछि तापरे के नमंती के च न नमंती के नमंती के माने के विनम्र बा विनयी होंती आ के माने नमंती नाही जा जेमिति वृक्ष कौन करे ना फल धारण कला परे से नमी नहीं जाए सेमिति गुणी जन माने कौन करंती ना तांकर गुण हेतु गौरव हेतु से माने कौन करंती ना नम्र ही थांती किंतु शुष्क वृक्ष आउ मूर्ख माने ए माने केते बेले भी कौन हुंती नाही ना नमंती नम्र हुंती नाही बा नमस्कार करंती नाही किंबा सम्मान जणंती नाही ये होची गोटे तापरे सर्वविद्यानां कः क्रमः सर्वविद्यानां कः क्रमः ना आमे जते बेले एटा वाक्य त्रयण बा वाक्य द्वयन जो लेखिबा को रहिछि आमे प्रथमे याकु कोन करिबा ना ए जो श्लोकाकार कर जो विशेषत्व बाथि जो दैछन्ति ए श्लोक पढिबा द्वारा आमे की उपकार प्राप्त हेतु जो प्रथम कहि गेली ताकु लेखिबो आउ उदाहरण स्वरूप वाल्मीकि व्यास इत्यादि इत्यादि जा पराशर जोगुड़ाक अच्छी ताकु समस्ते लेखिबो लेखिला परे एटाकु लेखिबो सर्वविद्यानां कः क्रमः ना जेमिति समस्त विद्यार क्रम कौन तो जेमिति कि गोटे गोटे जलबिंदु पूर्ण हेई एक माठिया भर्ती हेई थाय ठीक सेमिति एई सेई क्रम अनुसारे कौन हुए ना समस्त विद्या समस्त विद्या धर्म एवं धन मनीष को प्राप्त ही थाए से क्रम अनुसारे बढ़ी थाए तेणु यही सर्व विद्या नाम सर्व सब विद्यार गोटे गोटे क्रम थाए बोले एठी श्लोकाकार कहउछन्ति आउ परोपकारय के किं कुर्वन्ति परोपकार उपकार पई किए कौन करी थांती जे सेमिति एटाक भी लेखिब जे श्लोकाकार माने कौन पई से ये श्लोक रचना करिसेंती तार उद्देश्य कौन तापर एटा लेखिब कौन ना परर उपकार निमन्ते श्लोकाकार एठी आमको दिग्दर्शन दैछन्ती आबा कहउछन्ति कौन ना परर उपकार निमन्ते जेमिति वृक्ष कौन करिथाय ना फल धारण करिथाय एवं नदी माने कौन करथांती परर उपकार पई नदी बही जाय थाय आउ परर उपकार निमित्त गाई कौन करथाय ना दुग्ध अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान करथाय एवं ठीक सही परि भाव रे एई परर उपकार पई अर्थात मनुष्यर उपकार करबा पई एई शरीरटी उद्देश्य हेछि आमकु भगवान को बा परमेश्वर परमात्मा को निकट रु तेणु
परर उपकार पाई जमिति वृक्ष जमिति गाई जमिति नदी कौन करता परर उपकार पाई उद्दिष्ट होई थांती ठीक सेमिति आमे मध्य परर उपकार पाई उद्दिष्ट हवा आम शरीर को उद्दिष्ट रखा उचित बोली श्लोकाकार एथिरे कहिछंती। तेणु आज आम जो समय हो जाए आज यही विषय आम एतिकी जानिबा क्रमशः आम या परवर्ती कालांशरे अन्य श्लोक गुड़िक आम ताकु बुझेबा अन्य श्लोक गुड़िक आम पढ़िबा एवं जानिबा किंतु आज समय हो जाए तेणु एतिकी कहि मु रखुची जे जदि एही श्लोक गुड़िक यदि तुमर हित अर्थे लागी था एवं एहाकु जदि भल भावे बुझी हुए ताकु लाइक करंतु जली ट्यूटोरियल को लाइक करंतु एवं याकु सब्सक्राइब करियाकु केबे भूलंतु नाही। एतिकी कहि आज कालांश को एही समाप्त करुची। नमस्कार।